Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Hope you all are fine and enjoying your holidays. And I hope the lectures which we are delivering through YouTube, it will help you a lot and you are taking help from them, okay? You know, as we finish the reading of Unit 1, so today is our topic is Unit 2, Comprehension, Friends of the Forest. Friends mean companion, forest means woods, jungle. In this unit we will read about the animals, their homes, what they eat, what they like, and where they live, okay? Write that on the top of the page. Hold pencils because we will write meanings of difficult words, as you can see on my book. Okay, let's take start. All of these animals make their homes in or around the forest. Ye sare animals, look at the end of the page. Ye sare animals ya to jungal ke andar ya jungal ke ird gird ghar banate hain. Homes in or around the forest. Around, ird gird, okay, forest, jungle, homes, ghar, animals, janwar. The deer is the largest of these. Ab in sab mein kaun sa sabse bada janwar hai? That is deer, hiran, okay. Deer are herbivores. ये herbivores होते हैं, नबातखोर, जो plants खाते हैं, पत्ते खाते हैं, घास खाते हैं. Herbivores गोश्त नहीं खाते, okay? They enjoy leaves, grass and berries, not meat. Herbivores नबातखोर जानवर जो होते हैं, जो कि deer हैं, ये पत्ते, घास और berries खाना पसंद करते हैं, गोश्त नहीं खाते. They make a burping sound called a groan. अब बच्चे जिस तरह डॉग की आवाज़ को बार्किंग बोलते हैं, लॉयन की आवाज़ को रोरिंग बोलते हैं, इसी तरह डियर जो आवाज़ निकालती हैं तो उस बर्पिंग डकार वाली आवाज़ को बोलते हैं ग्रॉनिंग, बर्पिंग डकार, ओके. द मेल इज़ अ बक एंड द फीमेल इज़ अ डो. जो मादा नर हिरन होता है That is buck, उसे buck बुलाते हैं, and जो मादा होती हैं उसे doe बोलते हैं, हिरनी. The red squirrel is another woodland animal. Squirrel बोलते हैं बच्चे गुलेहरी को. Look at the picture of squirrel. This is squirrel, okay? This is जो सुरख रंग की गुलेहरी होती है, red color, वो भी जंगली जानवर है, वो भी woodland है, जंगल में रहने वाली जानवर है. It is a rodent. Rodent बच्चे वो animals होते हैं जिनके सामने वाले teeth बहुत ज़्यादा sharp होते हैं, ताकि वो जो मेवे होते हैं ना, dry fruits, इनके ऊपर वाले जो shell होते हैं, that is very much hard. तो इन दांतों से जो सामने वाले दांत sharp होते हैं, तो उन दांतों से ये उन मेवों को काटते हैं, nuts को. Rodents have sharp teeth to help them cut open hard food like nuts. अब ये इनके दांत शार्प होते हैं, तेज़ होते हैं, तो किस चीज़ में उनको हेल्प करते हैं? मेवे के काटने में, खोलने में, ओपन करने में. स्क्विरल्स गैदर नट्स. गुलेहरियाँ खुराक को जमा करती हैं. गैदर मीन जमा करना, इकट्ठा करना. एंड स्टोर देम, और इनको फिर जमा रखती है, महफूज रखती है फॉर द विंटर मंथ्स, सर्दियों के लिए. गुलेहरियाँ अपने लिए खुराक जमा करती हैं और इनको मौसम सरमा के लिए ज़खीरा करके रखती हैं. रेट्स, माइस एंड हैमस्टर्स आर ऑल्सो रोडेंट्स. रेट्स जो मोटे वाले बड़े बड़े चूहे होते हैं, माइस माउस की जमा है. हैमस्टर चूहे की एक किस्म है, ओके, जिसके मुंह में पाउचेस सी होती हैं और उन पाउचेस में ये लोग खुराक जमा करते हैं. ये भी रोडेंट्स है. रोडेंट्स मीन खोदने वाले, जो डिगिंग करते हों. अब नेक्स्ट एनिमल कौन सा है? फ्रॉग. फ्रॉग्स आर स्मॉल स्मूथ स्किन्ड क्रीचर दैट लाइक वेट स्वैम्पी एरियाज. जो मेंढक होते हैं उनके जो जिल्द होती हैं वो बहुत नरम होती हैं. ये छोटे छोटे होते हैं,
ये छोटे नरम जल्द रखने वाली मखलूक हैं जो कि गीले और वाटरी इलाकों को पसंद करती हैं. स्वैम्पी मीन्स वाटरी. डेल एग्स कॉल्ड फ्रॉग स्पॉन. दे किसके लिए यूज हुआ है? प्रोनाउन दे हैज़ बीन यूज फॉर द फ्रॉग्स. फ्रॉग्स जो होते हैं वो अंडे देते हैं और फ्रॉग्स के अंडों को बोलते हैं फ्रॉग स्पॉन. ओके एंड लिटिल टैडपोल्स कम आउट ऑफ एग्स. अब इन अंडों से जो छोटी वाली मखलूक निकलती हैं अर्ली जो पहले अंडे से निकलती हैं तो उसको टैडपोल बोलते हैं. फिर टैडपोल बड़े होकर होकर तो फिर स्टेप वाइज उसे फिर फ्रॉग बन जाता है. पहले उसके अंडों को बोलते हैं फ्रॉग स्पॉन. फ्रॉग स्पॉन से जो निकलते हैं तो उनको बोलते हैं टैडपोल्स. फ्रॉग्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग हाइंड लेग्स. फ्रॉग्स के जो पीछे वाले पैर होते हैं हाइंड मीन बैक लेग्स ओके बहुत ताकतवर होते हैं स्ट्रॉन्ग मजबूत होते हैं. सो दे आर ग्रेट एट जंपिंग. ये जंपिंग करने में छलांगे मारने में इनको हेल्प करते हैं. ओके सम एनिमल्स सच एज ओल्स बैजर्स हेजहॉग्स एंड फॉक्सेस आर नॉक्टर्नल क्रीचर्स. अब कुछ जानवर जो जिस तरह के ओल उल्लू हुआ बैजर्स बच्चे बैजर्स कॉर्निवोर्स एनिमल्स होते हैं. एक ऊपर हमने हर्बीवोर्स पढ़ा जो कि नबातात खाते हैं. एक होते हैं कॉर्निवोर्स. कॉर्निवोर्स जो गोश्त खाते हैं और जिनके पंजे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं वो अपने शिकार को पकड़ते हैं. बैजर्स हेजहॉग्स. हेजहॉग बच्चे ये वाली एनिमल है जिसके जिस्म पे बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं दिस वन. ओके कुछ एनिमल जिस तरह की ऊल बैजर्स खरपोश और लूमड़िया नॉक्टर्नल एनिमल्स होती हैं जो रात को निकलती हैं एक्टिव इन नाइट. ओके रात में निकलने वाली मखलूक होते हैं ये एनिमल्स जानवर होते हैं. विच मीन्स दे कम आउट एट नाइट. नॉक्टर्नल मीन्स अच्छा विच मीन्स नॉक्टर्नल मीन्स दे कम आउट एट नाइट. ये रात को निकलते हैं. यू माइट हेयर लॉन्ग ईयर्ड ओल्स हूटिंग इन द वुड्स एट नाइट. आपने शायद उल्लू की जंगल में से या तारीकी में से आवाज़ें निकलती हुई सुनी होगी जो कि उल लंबी लंबी आवाज़ें निकालता है. ओके लॉन्ग ईयर्ड ओल्स हूटिंग. यहाँ पे लॉन्ग ईयर्ड जो है ये इस हूटिंग एडवर्ब एज एन एडवर्ब यूज हुआ है फॉर द हूटिंग. ओके स्ट्राइपी फेस्ड बैजर्स लिव टुगेदर इन ग्रुप्स. स्ट्राइपी जो लकीरें होती हैं दारीदार लकीरों फेस पर लकीरें रखने वाले जो बैजर्स होते हैं ये ग्रुप्स की शक्ल में रहते हैं. अकेले अकेले नहीं मतलब घूमते. ये इन लार्ज अंडरग्राउंड टनल्स कॉल्ड सेट्स. बैजर्स जो एनिमल्स हैं ये इकट्ठे ग्रुप की शक्ल में होते हैं और कहाँ पे रहते हैं? अंडरग्राउंड टनल्स में. टनल्स सुराख को बोलते हैं अंडरग्राउंड जेर ज़मीन. सेट्स अब इनके घर को क्या बोलते हैं? जिस तरह के बर्ड्स के लिए नेस्ट वर्ड यूज़ हुआ होता है तो इसी तरह इनके घर के लिए सेट का वर्ड यूज़ होता है. अच्छा बैजर्स लीव अ सेंट बिहाइंड देम. बैजर्स अपने पीछे एक खुशबू छोड़ते हैं. सेंट मीन खुशबू स्मेल. व्हेन दे ट्रेवल टू मार्क आउट देयर टेरिटरी. टेरिटरी मीन्स इलाका. मार्क आउट निशानदेही करना. बैजर्स अपने पीछे एक स्मेल छोड़ते हैं खुशबू छोड़ते हैं किस लिए? ताकि ये अपने इलाके की निशानदेही कर सके. मीन्स अगर इनको वापस आना हो तो ये उस स्मेल को सूंघते हुए वापस अपने घर तक चले जाते हैं. द हेजहॉग्स इज ओनली अबाउट द लेंथ ऑफ अ रूलर. अब हेजहॉग के बारे में कहते हैं कि इनकी लंबाई कितनी होती है पूरा कद इसका इनका कितना होता है? एक रूलर जितना कद इसका होता है. इट हैज़ पुअर आई साइट. आई साइट नज़र इनकी कमज़ोर होती है. पुअर मीन्स कमज़ोर वीक. बट अ ग्रेट सेंस ऑफ स्मेल. लेकिन सूंघने की हिस इनकी बहुत ताकतवर होती है तेज़ होती है.
It can travel up to 3 km each night looking for food. Travel means safar karna, chalna. ये तकरीबन हर रात को खुराक की तलाश में 3 किलोमीटर तक ये चल सकता है. When in danger, endanger खतरे की सूरत में, it curls up in a ball. ये खुद को एक गेंद की शक्ल की में तब्दील कर देता है, उसकी तरह राउंड हो जाता है. And about 5,000 spines protected, protect हिफाजत, हिफाजत, spines कांटे, इसके जिस्म पे कितने कांटे होते हैं, तकरीबन 5,000 तक के कांटे इसकी हिफाजत करते हैं. तकरीबन 5,000 तक के कांटे इसकी जिस्म की हिफाजत करते हैं. Foxes can be seen all over forest. अब foxes की बारी आती है. लोमड़िया, इसको सारे जंगल में देखा जा सकता है. They are not fussy. ये फसी बिल्कुल भी नहीं होते, शोर रोगल पैदा करने वाले एनिमल्स नहीं हैं. About what they eat, अपने खुराक के मामले में, they will even find food in bins. यहाँ तक कि ये लोग डस्टबिन से भी खाना खा लेते हैं. Foxes are clever, quiet animals. Foxes जो लोमड़िया होती हैं वो clever, होशियार होती हैं, quiet, खामोश जानवर होते हैं. Okay, I hope आप लोग को समझ आ गई होगी रीडिंग की. Dear students, write down the meanings on your books with pencils, okay? Herbivores, nabat khor, grass kane wali, acha, plants kane wali, animals, doe, female, feminine, hirni, burping, burping, dakar, rodent, khodne wala, hamster, chuhe ki ek qism, swampy, frogs like to live in swampy areas, geely jaga. Hedgehogs, animal hai bache, which is kharpusht. Isko urdu mein bolte hai, nocturnal, raat mein nikalne wali. Fussy, shorogul paida karne wale. Okay? Write down these meanings.